गुड मॉर्निंग भाई। गुड मॉर्निंग सर। सर वर्चुअल बैकग्राउंड। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। हाँ तो भाई हम लोग क्या पढ़ रहे थे? कुछ पढ़ वाड़ तो रहे थे ही शायद। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। हम लोग क्वालिटी के बारे में पढ़ रहे थे ना बेटा। Yes, तो सॉफ्टवेयर क्वालिटी हैज बीन गिवन द एक्रोनिम्स फर्ब्स। फर्ब्स का मतलब क्या होता है? फंक्शनैलिटी, यूजिबिलिटी, रिलायबिलिटी, परफॉर्मेंस एंड सपोर्टेबिलिटी। क्लियर है बेटा इतना? यानी जो क्वालिटी फैक्टर्स हैं उनको हम फर्ब्स के नाम से जानते हैं। और फर्ब्स स्टैंड किसके लिए करता है? फंक्शनैलिटी, यूजिबिलिटी, रिलायबिलिटी, परफॉर्मेंस और सपोर्टेबिलिटी। क्लियर है? यस सर। अब फंक्शनैलिटी का मतलब क्या? भाई जितनी फंक्शनैलिटी यूजर ने बताई है वो फंक्शनैलिटी हमारे सॉफ्टवेयर में अगर है तो हम मानेंगे कि हमारा सॉफ्टवेयर क्वालिटी प्रोडक्ट है। तो हम ये मानेंगे कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो एक क्वालिटी प्रोडक्ट है। फंक्शनैलिटी इज असेस्ड बाय इवैल्यूएटिंग द फीचर एंड सेट एंड कैपेबिलिटी ऑफ द प्रोग्राम। जनरली फंक्शन डेटा डिलीवर्ड एंड सिक्योरिटी ऑफ द ओवरऑल सिस्टम। मान लीजिए यूजर ने हमसे जो रिक्वायरमेंट कही है हम वो फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं तो हम फंक्शनैलिटीज भी उतनी नहीं दे पाएंगे। और फंक्शनैलिटीज अगर पूरी नहीं है तो इसका मतलब हमारा जो सिस्टम है वो यूजफुल नहीं है। क्लियर है? दूसरा आता है यूजिबिलिटी। यूजिबिलिटी का मतलब इट कंपैरेटिवली इजी टू बी यूज्ड। मींस यूजिबिलिटी इज एक्सेस बाय कंसीडरिंग ह्यूमन फैक्टर्स, ओवरऑल एस्थेटिक्स, कंसिस्टेंसी एंड डॉक्यूमेंट। मींस अगर
सॉफ्टवेयर यूजेबल है, यूज हो रहा है, उसकी फंक्शनैलिटीज उसके साथ हैं, वो कंसिस्टेंट है और उसका डॉक्यूमेंट भी अवेलेबल है, तो हम मानेंगे कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो यूजेबल है। रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी का मतलब क्या है कि इफ द गिवन कंडीशन, इफ सम कंडीशन इज गिवन, द फंक्शन शुड परफॉर्म एवरी टास्क एंड विल गिव द सेम रिजल्ट अंडर द सेम सर्कमस्टेंसेस irrespective of how many number of time it has been executed. Reliability is evaluated by measuring the frequency and severity of the failure, the accuracy of the output result, the mean time to failure, jisko MTTF kaha jata hai, this is one of the metrics of reliability. And the ability to recover from failure and predictability of the error that can be caused in the program. Clear? Performance is measured by processing speed, response time, resource consumption, throughput and efficiency. कितने कम समय में कितना कम रिसोर्स करके कितना आउटपुट वो प्रोड्यूस कर सकता है, इसको एफिशिएंसी कहते हैं। क्लियर है? Yes, sir. है बेटा? Yes. And then supportability combines the ability to extend the program, that is called scalability, adaptability and serviceability. These three attributes represent more common term maintainability. In addition, testability, compatibility, configurability, the ability to organize and control element of the software configuration, the ease with which a system can be installed, and the ease with the problem can be localized. किस तरीके से आप नई requirement को adapt कर सकते हैं, कोई fault आ रही है तो उसको service कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर को कैसे एक्सटेंड कर सकते हैं, मान लीजिए स्केलेबल करना है तो स्केलेबिलिटी, ये सारे फीचर आप कितनी आसानी से उसमें इंक्लूड कर सकते हैं, क्वालिटी पे इफेक्ट डालता है। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम? Attributes of quality, auditability. Auditability का मतलब क्या? The ability of software being tested against conformances to standard. कि software किसी standard को follow करके बनाया गया है, उसको follow कर रहा है, ये आसानी से test हो जाए। Compatibility, the ability of two or more system or component to perform their required function while sharing the same hardware and software environment.
मतलब दो या तीन सिस्टम आपस में कंबाइंड होकर वर्क कर पाए इन एनी एनवायरनमेंट इज कॉल्ड कॉम्पेटिबिलिटी। कंप्लीटनेस का है द डिग्री टू विच ऑल द सॉफ्टवेयर रिक्वायर फंक्शन एंड डिजाइन कॉन्स्टेंट स्पेसिफिकेशन डिजाइन डेवलपमेंट एंड कोड। मतलब जो रिक्वायरमेंट यूजर ने दी है उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमने सारे फंक्शन सारी चीजें कंपेरेटिवली कंप्लीट कर पाए हैं या नहीं, दैट इज कॉल्ड कंप्लीटनेस। किस सेंस में हमारा सॉफ्टवेयर कंप्लीट है, किस सेंस में हमारा सॉफ्टवेयर कंप्लीट नहीं। कंसिस्टेंसी कि जो हमारा सॉफ्टवेयर बना हुआ है किस डिग्री तक के स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया है, यूनिफॉर्मिटी कितनी है, स्टैंडर्डाइजेशन कितना है। दूसरा उसकी जो वर्किंग है वो अलग अलग समय पे किस तरीके से बिहेव कर रहा है डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन। कंसिस्टेंट कितना है परफॉर्मेंस वाइज कि परफॉर्मेंस कैसा है उसका, ऐसा तो नहीं कि गिवेन समय में किसी तरह से काम कर रहा हो फिर कुछ समय बाद किसी तरह से काम कर रहा हो। दैट ऑल इज कॉल्ड कंसिस्टेंसी। क्लियर है? Yes, sir. Correctness, the degree to which a system or component is free from fault and its specification, design and implement is known as करेक्टनेस। क्लियर है? फिजिबिलिटी द डिग्री टू विच द रिक्वायरमेंट डिजाइन और प्लान फॉर ए सिस्टम और कंपोनेंट कैन बी इंप्लीमेंटेड अंडर एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रेंट कॉन्स्टेंट्स। इसका मतलब क्या हुआ, जो एग्जिस्टिंग कॉन्स्टेंट्स हैं उसके बीच में कितनी एबिलिटी है कि नए रिक्वायरमेंट्स को गिवन कॉन्स्टेंट में एकोमोडेट किया जाए। मॉड्युलरिटी द डिग्री टू विच ए सिस्टम और कंप्यूटर प्रोग्राम इज कंपोज्ड ऑफ डिस्क्रीट कंपोनेंट सच दैट अ चेंज टू वन कंपोनेंट हैज अ मिनिमम इंपैक्ट टू अदर कंपोनेंट। मतलब एक कंपोनेंट को चेंज करने पे दूसरे कंपोनेंट पे कितना कम इंपैक्ट पड़ रहा है, दैट इज कॉल्ड मॉड्युलरिटी। अभी आपको आगे बताया जाएगा कि मिनिमम इम्पैक्ट पड़ना चाहिए, मतलब अगर हम कुछ चेंज कर रहे हैं तो दूसरे में उतना इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। अगर मैंने एक्स को चेंज किया तो केवल एक्स पे इफेक्ट पड़ेगा, वाई पे उसका कोई इफेक्ट ना पड़ना चाहिए। क्लियर है बेटा कि हम कथा बाँच रहे हैं, आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है? आ रहा है सर। प्रसाद साद नहीं मिलेगा इसलिए कह रहे हैं। यस सर। वैसे भी आज
आप लोगों से विश्वकर्मा, लेकिन अगर आप कॉलेज में होते तो लड्डू जरूर खाते, मैकेनिकल वाले मनाते हैं ना। यस सर, विश्वकर्मा पूजा। हाँ, आप लोगों को लड्डू मिल जाता है कॉलेज में, है नहीं सर? मेरे घर में मिलेगा। अच्छा, तो सबका ही बांट देना बेटा, हम लोगों को भी दे देना है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। कैसे दोगे? वर्चुअली नहीं चाहिए हमको। सर पार्सल करूंगी तो कोरोना आ जाएगा उसके साथ। आ जाने दो, आई विल एक्सेप्ट इट, नो प्रॉब्लम फॉर लड्डू एनीथिंग। ठीक है सर, ठीक है सर, डन। अच्छा, हेक्साग्राम का आज कितने लोगों ने दिया है? सर कोई मेल ही नहीं आया। भाई हम तो हिंदुस्तान में सबसे गए गुजरे व्यक्ति हैं, हमारे स्टूडेंटों के पास कुछ ना मेल जाता है ना। सर अप्लाई कर दिया है, सर अप्लाई कर दिया है, सर रिस्पांस नहीं है। आज एग्जाम चल रहा है प्रभु। सर हम लोग के पास नहीं आया कुछ। यस सर, हमारे पास भी नहीं आया। सर अप्लाई कर चुके हैं। कौन अप्लाई कर चुका है? सर सब पूरी क्लास मुश्किल कर चुके। अरुण एक काम करिए, अभी आप मनीष शर्मा जी को कॉल करिए तुरंत, मैं आपको क्लास से लीव करने की अनुमति प्रदान करता हूँ, तुरंत बाद काम कर बात करिए। ओके सर। और फिर मुझे बताइए यही क्लास में क्या हुआ। ओके सर। तब तक हम इधर उधर की बात कर रहे हैं, क्लास आगे नहीं बढ़ाएंगे। सौरभ है? यस सर। भैया वो अनथिंकेबल वाला पीपीटी है कल परसों में, सब लोग सुन लो। मालूम है? यस सर, देख गया था, कुछ आया था। क्या खा रहे हो तुम? सर गला बैठा हुआ है, थोड़ा खा नहीं रहे। गला बैठा हुआ है तो खड़ा करो यार उसको। हो ही नहीं रहा है, क्या करें। कहाँ चिल्ला रहे थे? अरे चिल्ला नहीं रहे थे सर, हो गई थोड़ी दिक्कत। अब तो क्रिकेट मैच भी नहीं चलने वाला है, वो क्या है आज 17 है ना, परसों से वो शुरू होगा। हाँ तो सर घर में थोड़ी चिल्लाएंगे उस पे अब। नहीं, नो नो यार, फार तो घर वालों से बाहर कराए दे रहा है, घर वालों के साथ। लोग पहले कहते थे घर में सब कुछ करो, अब लोग वो कौन है हॉटस्टार डिज्नी बता रहे हैं कि नो यार इस फार, घर वाले हैं बेकार। आजकल एडवर्टीजमेंट कैसे कैसे आ गए भाई। और उसका 22 तारीख को है, जिसके पास घर में व्यवस्था ना हो कंटिन्यूस इंटरनेट की, वो कॉलेज आके एग्जाम दे सकता है। किसका? अनथिंकेबल का। तो जो वो प्रेजेंटेशन है जिसमें आज की डेट है, तो सर उसका लिंक वगैरह नहीं आया है अभी कुछ। फौरन मनीष शर्मा नंबर ना हो तो कहो, मैं टाइप कर दूं। वैसे ग्रुप में जुड़े हुए हैं, नंबर सबके पास है, है ना? यस सर। अरुण की लंबी बात होने लगी, अभी तक पता नहीं चला। तो सर, हाँ सर मेरी बात हुई तो वो कह रहे हैं कि ईसी और मैं और बाकी डिपार्टमेंट में आया तो शायद उन्होंने एमसीए को कंसीडर नहीं किया, अगर किसी के पास नहीं आया एमसीए में तो वो कंपनी ने शॉर्टलिस्ट किया। तो तुमने पूछा नहीं तो फिर आशीष सर को काहे कह दिया था आपने? हाँ सर कह रहे मैंने ही, वो उन्होंने कहा कि मैंने ही बताया था कि आज एग्जाम है, पर अगर एमसीए में किसी को नहीं आया तो उन्होंने किसी को मतलब एमसीए को कंसीडर नहीं किया शॉर्टलिस्टिंग में। और वो कह रहे थे कि अनथिंकेबल वाला आज शाम को है या कल है वो भी क्लियर करके बता देंगे। वो अभी मुझे मेल भेज रहे हैं, वो भेज देंगे, ग्रुप पे भी भेज देगा। ठीक है, तो उसे अपना करना। अनथिंकेबल में पिछली बार सिलेक्शन हुआ था उसका, क्या नाम है, राशि का। यस सर। तो राशि को तो ज्वाइनिंग भी शायद मिल गई है, पता नहीं पता। तो कंपनी उसको पहले डेफोडिल के नाम से जाना जाता था। यस सर।
और उसका एग्जाम एग्जाम ठीक ठाक होता है, कोई बहुत ज्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। Yes, आप लोग कह रहे हैं जॉब नहीं है यहाँ पे, तो जॉब के लिए लोग परेशान है कि जॉब ही जॉब है। है जॉब बस ऑफ कैंपस हम लोग कब से अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि सर ऑफ कैंपस में बस दो तीन कंपनीज हैं जो मतलब जानने वाली, उन्होंने कहा मेरे वहाँ अप्लाई कर सकते हैं। अरे पहले ऑन कैंपस भी तो देख लो कंपनीज आ रही है भैया, जैसे कॉग्निजेंट है, कॉग्निजेंट आ रही है, कॉग्निजेंट में देख लो, अनथिंकेबल भी कोई कम पैकेज नहीं देती, ठीक ठाक देती है। यस सर वो तो है ही सर, मतलब ऑप्शन रख रहे थे साथ में इसलिए सब पूछ रहे थे बस। ऑफ कैंपस ही हम चाहते हैं मोस्टली। ऑफ कैंपस तो आप कुछ भी कर सकते हो, उसको किसी ने रोका नहीं है, लेकिन पहली चीज ये है कि जो इन कैंपस आ रहे हैं उसमें कर, और उन लोगों के जो है अभी वो चलने वाले हैं, कंपटीशन हो रहे हैं, उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर लो, ठीक है? ओके सर। कौन सा अडोबी है और ये सब चीजें है, इनका अपना जो है वो कंपटीशन चलते हैं, जैसे पिछली बार अभिषेक देव ने जो निकाला था वो कंपटीशन निकाल के उसका प्लेसमेंट हुआ था। जैसे कोड वीटा टीसीएस में चलता है वैसे जितनी भी कंपनीज हैं वो सब अपना इंटरनल कॉम्पिटिशन कराया करती हैं। यस सर। चाहे माइक्रोसॉफ्ट हो, चाहे गूगल हो, चाहे आपका फेसबुक हो, ठीक है? प्रेडिक्टेबिलिटी का मतलब क्या है? द डिग्री टू विच द फंक्शनैलिटी एंड द परफॉर्मेंस ऑफ द सॉफ्टवेयर कैन बी डिटरमाइंड स्ट्रक्चरनेस, द डिग्री टू विच सिस्टम्स ऑफ सिस्टम डिजाइन डॉक्यूमेंट एंड कोड पोजेस ए डेफिनेट पार्ट in the interdependent part, this implies that the design has proceeded in the orderly and systematic manner. मतलब अगर एक एक मॉड्यूल को छेड़ोगे तो कौन कौन से मॉड्यूल और भी हिलेंगे, इसका एक स्ट्रक्चर्ड बनता है, उसको कहते हैं स्ट्रक्चर्डनेस। क्लियर है? Yes, sir. There should be least coupling and maximum cohesion. अभी कपलिंग और कोहेजन क्या होता है? डिपेंडेबिलिटी को कहते हैं कपलिंग, और इंडिपेंडेंसनेस, डिग्री ऑफ इंडिपेंडेंसनेस को कहते हैं कोहेसिवनेस। क्लियर है? यस सर। द डिग्री टू विच ए सिस्टम और कंपोनेंट फैसिलिटेट एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द टेस्ट क्राइटेरिया and the performance of the test to determine whether those criteria have been met is known as testability. Clear? Yes, sir. Understandability, the degree to which the meaning of the SRS, STD and code are clear are known as understandability to the reader.
ट्रेसिबिलिटी का मतलब क्या होता है? कि आप रिलेशन कैसे एस्टेब्लिश कर सकते हैं बिटवीन टू और मोर प्रोडक्ट ऑफ डेवलपमेंट प्रोसेस. द डिग्री टू विच ईच एलिमेंट इन ए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोडक्ट एस्टेब्लिशेस इट्स रीजन फॉर एग्जिस्टिंग. फॉर एग्जाम्पल द सिस्टम फंक्शनैलिटी मस्ट बी ट्रेसेबल टू द यूजर रिक्वायरमेंट. अगर आपने कोई फंक्शन दिया है, फंक्शनैलिटी दी है, तो यूजर ने कौन सा ऐसा रिक्वायरमेंट दिया था जिसकी वजह से वो फंक्शनैलिटी आपको देनी पड़ी, ये आप स्पेसिफाई करेंगे. क्लियर है? यस सर. सर आप पीपीटी अभी तक नहीं हैं, क्या कह रहे हैं? आपने पीपीटी अभी तक नहीं दी, आप क्लास की रिकॉर्डिंग डाल रहे हैं सर. क्लास में रिकॉर्डिंग चल रही है? क्लास में रिकॉर्डिंग तो चल रही है भैया. नहीं सर, वो कह रही है सर आपने पीपीटी नहीं शेयर किया, खाली आप रिकॉर्डिंग शेयर करते हैं सर. अरे पीपीटी आप आज ही शेयर करे दे रहे हैं, अभी तुरंत तुरंत पीपीटी शेयर किए दे रहे हैं भैया. सुन क्लियर है? यस सर. अभी भेज रहा हूँ तुरंत, जिससे कि जो है और सबने वो भेज दिया. अरे वो कैसे भेजोगे जब पीपीटी नहीं होगा, है ना? यस सर, उसीलिए तो आपको आंसर नहीं मिल रहा. लिख नहीं पा रहे हैं सर, इसलिए. तो टाइप कर लो, लिख नहीं पा रहे हो. टाइपिंग वाला एक्सेप्टेबल है? नहीं है. टाइप कर लो पहले, उसका लिख लेना. टाइप वाला एक्सेप्टेबल हो जाए तो फिर यही पीपीटी कॉपी करके कर दे, क्या करना है? अरे नहीं सर, टाइप में भी सर आप फ्लैग चेक कर लीजिएगा अगर कहीं नेट से हो तो. अब मेरे पास बेटा इतना टाइम नहीं है कि मैं फ्लैग चेक करने बैठूं सबका. वही मुझे मालूम है कि तुम लोग को है फ्लैग के बगैर कोई लिखता भी है. पहले इस कॉलेज में एक चीज और चलती थी जिसको कहते थे टर्म पेपर. यस सर. वाह, इतने फ्लैग तुम लोगों ने किए कि फ्लैग फ्लैगरिज्म वाले परेशान हो गए सर. उससे इसीलिए तो सर उसको पता है कैसे तब खटाना है सर. मिट्टी में बहुत सारे दिए टर्म पेपर ना सर, इसलिए आइडिया है कैसे खटाना है पर. तो फिर प्लैगरिज्म वाला मतलब वो काम ही हटा दिया गया. वो पहले क्या होता था, 10-15 नंबर एक्स्ट्रा मिल. यस सर, तो वो चीज हटा ही दी गई. वेरिफिकेबिलिटी का मतलब जो एसआरएस में आपने बनाया है और जो आपका सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट डिजाइन डेवलपमेंट है, दोनों आपस में कोरिलेट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? ठीक है ना, वेरिफिकेबल है कि नहीं वेरिफिकेबल है? क्लियर है बात? यस सर. अब सीएमएम की बात आ रही है, कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल. कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल का मतलब ये होता है कि आप जो आप वेरियस प्रोसेसेस यूज कर रहे हो वो एंटायरली डिफरेंट हैं आपके डेवलपमेंट से या उसी से मैच कर खाते हैं. और बेसिकली जो सीएमएम है दैट हैज बीन सपोर्टेड बाय सेई सॉफ्टवेयर और ये आईएसओ से बिल्कुल अलग होता है. आईएसओ में ये नहीं बताया जाता कि क्या इम्प्रूव करना है. आईएसओ में जो करते हो उसको डॉक किया जाता है, जबकि सीएमएम में आपके पास की प्रोसेसिंग एरियाज हैं. जब आप वो की प्रोसेसिंग फॉलो कर लेते हैं तो मान लिया जाता है कि आप उस कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल को क्रॉस कर गए.
In this model, significant emphasis is given to the technique to improve the software quality and process maturity. In this model, a strategy for improving software process is devised. It is not concerned which life cycle model is followed for development. SEI has laid guidelines regarding the capability an organization should have to reach different level. This approach evaluates the global effectiveness of software company. आपके प्रोसेस कितने मैच्योर हैं, आप कितनी सॉफ्टवेयर क्वालिटी को अटेन कर सकते हैं, इसको पता करने के लिए सीएमएम लेवल अलग अलग डिफाइन किए गए हैं. क्लियर है? यस सर. यस सर. इट इज अ स्ट्रेटजी फॉर इंप्रूविंग द सॉफ्टवेयर प्रोसेस irrespective of actual life cycle model. It defines five maturity level which has been described. Different organizations are certified for different level based on the process they follow. Five CMM level hain, unko achieve karne ke liye unke key processing areas pe aapko work karna padta hai. सबसे पहला है इनिशियल, फिर है रिपीटेबल, फिर है डिफाइंड, फिर है मैनेज, फिर है ऑप्टिमम. इनिशियल पे आपके केपीए ज्यादा होते नहीं है. रिपीटेबल का मतलब होता है कि अब आप चीजों को, एक प्रोसेस बन गया है, उसको बार बार आप रिपीट कर रहे हैं. डिफाइंड में प्रोसेस डिफाइंड हो जाते हैं, मैनेज में प्रोसेस और मैनेज हो जाते हैं, ऑप्टिमाइज में नए तरीके ढूंढते हो उन मैनेज सॉफ्ट प्रोसेसेस को और कैसे किया जाए. ठीक है, जो इनिशियल होती है उसमें कैरेक्टराइजेशन होता है एडहॉक प्रोसेस का, मतलब इंडिविजुअल प्रोसेसेस को यूज किया जाता है. जो रिपीटेबल होते हैं उसमें बेसिक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की टेक्निक यूज की जाती है. डिफाइंड में प्रोसेस डिफाइन हो जाता है और मैनेज में प्रोसेस मैनेजमेंट शुरू हो जाता है. प्रोजेक्ट नहीं है यहाँ, प्रोसेस मैनेजमेंट है. और ऑप्टिमाइजेशन में प्रोसेसिंग कंट्रोल स्टार्ट होती क्लियर है? यस सर. Level 1, it's an initial. At this maturity level, software is developed on ad hoc basis and no strategic approach is used for its development. The success of developed software entirely depends upon the skill of the team member.
As no sound engineering approach is followed, the time and cost of the project are not critical issue. इसमें कोई प्रोसेस नहीं बना होता है, in maturity level 1 organization the software process is unpredictable because if development in team change the process will change kyunki ad hoc hai ek individual ke upar hai the testing of software is also very simple and accurate prediction and accurate prediction regarding software quality is not possible. SEI assessment indicate that the vast majority of software organization are level 1 organization. Jitni bhi aap companies maximum dekhte hain ye level 1 pe hi aapki abhi situated hai. Clear hai? Yes, sir. तो अगले क्लास में हम लोग लेवल 2 के बारे में बात करेंगे. ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में. Okay, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir.